तो भाई WWE स्मैकडाउन का इस हफ्ते का एपिसोड हो चुका है। इसमें क्या हमें देखने को मिला जरूरी, इस बारे में बात करेंगे। इस दौरान नए QR कोड में ब्रे वाइट के साथ वाला करेक्टर भी देखने को मिला, और इसके अलावा रैंडी ओटन को लेकर एक बैड अपडेट सामने आई है, इसके बारे में बात करेंगे। हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं समाग्राम। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो, वीडियो में बने रहें एंड तक। तो गाइस, शो की शुरुआत हुई सैमी ज़ेन एंड सोलो सिकोवा वर्सेस रिकोशे एंड मैडकैप मॉस के बीच टैग टीम मैच से। इस मैच में परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों टीमों की तरफ से परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिली। मैच के एंड में सोलो सिकोवा रिकोशे पर स्टील चेयर से हमला करते हुए दिखे, और इस दौरान रेफरी को सैमी ज़ेन उलझाते हुए दिखे। इसका फायदा उठाते हुए सोलो सिकोवा ने रिंग में आकर मैडकैप मॉस पर स्पिनिंग सोलो मूव लगाकर पिन करके मैच जीत लिया। इस मैच के बाद मैडकैप मॉस ने सैमी ज़ेन पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन सोलो सिकोवा ने उनको पीट कर बुरा हाल कर दिया। इसके बाद एक बैकस्टेज सेगमेंट में सैमी ज़ेन और जे उसियो के बीच फिर से थोड़ी सी अनबन देखने को मिली। इसके बाद कैरियन क्रॉस की तरफ से एक वीडियो पैकेज भी देखने को मिला, जिसमें उन्होंने ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ मैच से पहले उन्हें वार्निंग दी है। एक बैकस्टेज सेगमेंट में ऑस्टिन थ्योरी ने क्लैश एट द कैसल में मनी इन द बैंक कैश इन न होने पर सवाल उठाया। इस दौरान ड्रू मैकइंटायर पर शॉट लिया और कहा कि ड्रू ने उस शो में सबको निराश किया है, उसके बस की कुछ नहीं है। इस दौरान ड्रू मैकइंटायर भी पीछे ही खड़े थे, फिर उन्होंने ऑस्टिन थ्योरी को मैच के लिए चैलेंज कर दिया। फिर ड्रू मैकइंटायर वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच मैच हुआ। इस मैच में डिस्क्वालिफिकेशन हुआ। फिर अल्फा अकेडमी और ऑस्टिन थ्योरी ने मिलकर ड्रू मैकइंटायर पर अटैक किया, और फिर जॉनी गर्गानो ने आकर सभी पर अटैक किया। इसके बाद केविन ओवंस ने भी एंट्री की, फिर सभी ने मिलकर ऑस्टिन थ्योरी और अल्फा अकेडमी को मार मार कर रिंग के बाहर भगा दिया। इस शो में हमें रोंडा राउजी और लिव मॉर्गन के भी जबरदस्त ब्रॉल भी देखने को मिली। शो में एक बैकस्टेज सेगमेंट में केविन ओवंस ने मैक्सिमम मेल मॉडल्स का मजाक बनाया, फिर बाद में उनकी सैमी ज़ेन से मुलाकात हुई और केविन ओवंस ने कहा कि सैमी को नई टी शर्ट लेना चाहिए। बाद में वो हंसते हुए वहां से चले गए। शो में एम्पीरियम का सेगमेंट देखने को मिला। फिर शेमस ने एंट्री की और आकर गुंथर को फाइट के लिए कहा। शेमस ने रिंग साइड पर जियोवानी विंची और लुडविक काइजर को पीटा, और फिर रिंग में आकर गुंथर पर अटैक किया। फिर काइजर और विंची ने पीछे से शेमस पर अटैक किया। फिर गुंथर ने शेमस को पावर बम भी लगा दिया। फिर वो वहां से जाने लगे और शेमस ने उन्हें फिर फाइट के लिए बुलाया। फिर से एम्पीरियम ने आकर शेमस को बुरी तरीके से पीट दिया। फिर एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जिसमें मैक्सिमम मेल मॉडल सबसे ज्यादा समय तक पोज करने का रिकॉर्ड बनाने वाले थे, लेकिन मैक्स डुपरी ने आकर मंसूर पर अटैक किया। वो अपना बेल्ट देकर कहकर चले गए कि टैग टीम टाइटल्स की बजाय इन चीजों में लगे हुए हो। शो के मेन इवेंट में हमें ड्रू मैकइंटायर, जॉनी गर्गानो एंड केविन ओवंस वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी एंड अल्फा अकेडमी के बीच एक सिक्स मैन टैग टीम मैच देखने को मिला। इस मैच में रिंग साइड और रिंग के अंदर जबरदस्त एक्शन चला। एक मोमेंट पर केविन ओवंस और जॉनी गर्गानो ने मिलकर अल्फा अकेडमी की रिंग साइड पर जमकर पिटाई की। केविन ओवंस का अनाउंसर टेबल पर स्टनर देखने को मिला। इस मैच की एंड में ड्रू मैकइंटायर ने ऑस्टिन थ्योरी पर क्लोमेयर क्लिक लगाकर पिन करके अपनी टीम को जीत दिलाई। इस मैच के बाद ड्रू मैकइंटायर ने ऑस्टिन थ्योरी पर स्टेप से भी हमला किया। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नए QR कोड की, जो कि स्मैकडाउन के एपिसोड में हमें देखने को मिला। जैसे स्कैन करने पर एक वीडियो प्ले हुई। इस वीडियो में जो ब्रे वाइट के फायर फैनहाउस में एक हस्कस द बिग बॉय का कैरेक्टर था, उसी टाइप का कैरेक्टर इस वीडियो में देखने को मिला। इसके बाद एक गौर करने वाली बात यह भी रही कि जो वीडियो का URL था उसमें जो लिंक लिखा है वो है 1911। ये सेम ब्रे वाइट जो फायरफ्लाई फैन हाउस में जो हेड पहनते थे वही नंबर सेम दिख रहा है 1911। तो अब पूरा पूरा सब कुछ ही ब्रे वाइट से लिंक होता हुआ दिख रहा है। तो गाइस, फाइनल अपडेट जो बताने जा रहे हैं वो जुड़ी है द वाइपर रैंडी ओटन से। उनको लेकर एक बैड अपडेट सामने आई है। दरअसल जर्नलिस्ट डेव मेटजर का कहना है कि रैंडी ओटन की इंजरी की रिकवरी वैसी नहीं हो पा रही जैसी होना चाहिए, जिससे वो कि जल्दी रिटर्न कर पाए। एक्सपेक्टेड से ज्यादा टाइम उनको लगने वाला है। हो सकता है रॉयल रंबल 2023 में भी उनका रिटर्न होता हुआ ना दिख पाए शायद। यही कुछ अपडेट लेटेस्ट है रैंडी ओटन को लेकर। तो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग समाग्राम।